ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जिनके पास ऐसी कुछ गाड़ी है जिसमें MID दी होती है और साइड में अपना दो स्टिक ऑल्टो हो, सॉरी भाई ऑल्टो नहीं आती इसमें, स्विफ्ट होगी अपनी, i20 तक भी आ गई, और भाई कोई भी गाड़ी है डिजायर होगी, अर्टिगा होगी, ब्रेजा होगी, तो भाई लेफ्ट और राइट साइड में दो स्टिक दी जाती है। इनका क्या काम होता है? अब बंदों को ज्यादातर यही पता होता, बस हम इन्हें प्रेस करेंगे तो जो इससे है हमारे वो अपना एवरेज दिखा देगा, किलोमीटर दिखा देगा। तो भाई इसके बहुत ज्यादा फीचर होते हैं, मैं आपको एक एक दिखाऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। इससे आप गाड़ी का ये चीज ऑन कर सकते हो, छोटी छोटी पहले बता देता हूँ, गाड़ी को किसी ने बाहर से ऐसे हिट किया या अंदर बैठ के अपने ऐसे कर दिया तो जो गाड़ी का अलार्म है वो चालू हो जाएगा। और वैसे बहुत से फीचर हैं, जैसे आपने देखा होगा जो नई गाड़ी आती है BS6 होगी मारुति की, उनमें एक बार लॉक करने पे सिर्फ ड्राइवर साइड अनलॉक होता है, लेकिन मेरा देखिएगा लॉक, और ये अनलॉक कर रहा हूं तो मेरी पूरी गाड़ी अनलॉक होगी, तो मैंने वो भी इसमें से ऑन किया हुआ है। तो चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ, कई भाई परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, उन्हें दो बार बटन दबाना पड़ता है गाड़ी का, जिससे कि हमारी गाड़ी की बैटरी भी ज्यादा जाती है, और भाई एक बार में काम चल रहा है तो दो बार ही क्यों दबाना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, गाड़ी में चाबी लगा देता हूँ, ये हमारी चाबी लग चुकी है, म्यूजिक सिस्टम को कर देते हैं ऑफ। अब आप देखिएगा सबसे पहले इधर आइएगा आप लेफ्ट वाले पे, इस पे लिखा हुआ ट्रिप, हम ट्रिप को दबाएंगे क्या होगा ये देखिए, मैं ट्रिप को सिंगल प्रेस किया मैंने, मेरी गाड़ी टोटल कितनी चली है वो दिखा दिया इसने, टोटल चली है भाई गाड़ी 3584 किलोमीटर। उसके बाद ट्रिप ए, जो मैंने ट्रिप ए सेट की थी उसमें चल चुकी है गाड़ी 257.8 किलोमीटर, मतलब 258 किलोमीटर, मान लीजिए 258 किलोमीटर चल चुका है ट्रिप बी। अब ये किस काम की होती है, आप भाई ट्रिप ए को लॉन्ग प्रेस करे रखे तो जीरो हो जाएगी, जैसे हमें किसी ऐसी जगह पे जाना है हमें ये देखना हमारी गाड़ी कितनी चली है, कोई मांग के ले गया है तो उसने हमारी गाड़ी यूज ज्यादा करी है कम करी है, जितनी भी चलाई है वो इसमें दिखा देगा। आप इसको जीरो करके ऐसे करके छोड़ दो, उसको पता नहीं लगेगा गाड़ी ऐसे अपना चल रही है। तो ये हमारी ट्रिप बिल्कुल जीरो पे है, या हमें गाड़ी की एवरेज निकालनी हो तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, इसको ट्रिप को जीरो पे करके आप फिर गाड़ी को चलाइए, इससे आपको एवरेज भी पता लगेगी। तो इधर की थी भाई इतनी कुछ ये सेटिंग्स। अब जो मेन सेटिंग आती है वो आती है राइट साइड में, राइट साइड वाले पे आप देखिएगा, इस पे ऐसा कुछ सिंबल बना हुआ जिसमें काफी सारे फीचर हैं। तो सबसे पहले तो मेन बताता हूँ आपको, ऊपर के फिर दिखाऊंगा पूरे अंदर तक के इसके फीचर जो है। सिंगल प्रेस किया, एवरेज दिखा दी जो लास्ट टाइम कार ने दी है 15.9 की, मतलब 16 की एवरेज दिया कार ने। रेंज दिखा दी कि हमारी गाड़ी में इतना फ्यूल आप देख सकते हैं, फुल टैंक से सिर्फ एक स्टिक अपनी कम है, एक डंडा, गाड़ी की टंकी बिल्कुल फुल है, 473 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। और ये 473 किस हिसाब से दिखा रहा है, ये इस हिसाब से दिखा रहा है जो हमारी 16 की एवरेज है, तो 16 का हिसाब लगा के दिखा रहा है ये किलोमीटर पर लीटर। ये एवरेज जब आप गाड़ी को चलाओगे ना तो यहाँ पर वो एवरेज आएगी कि आपकी गाड़ी जो करंट टाइम है उसमें क्या एवरेज दे रही है। अब इसको लॉन्ग प्रेस कर रखिए, एवरेज बड़ा हो गया अपना एवरेज, ये रेंज आ गई, रेंज पे लाके इसको हमने लॉन्ग प्रेस किया, ये देखे यहाँ पर क्लॉक लिखा आ गया जो हमारा करेक्ट टाइम है, फोन में देख सकते हैं इस टाइम 8:40 हो रही है और 8:43, 2-3 मिनट का फर्क है, कोई ज्यादा नहीं, बिल्कुल ठीक दिखा रहा है। हम इसे इसके अंदर जाएंगे क्लॉक के, तो ये दिखा रहा है कि हमें 12 घंटे की रखने, 24 घंटे की क्लॉक रखनी है, तो हम रखेंगे इसे 12 घंटे पे। तो हमने ये अपना 12 घंटे पे करने के लिए, एक सेकंड भाई फोन बोल रहा है, हम इसे 12 घंटे पे करने के लिए सिंगल बार ऐसे घुमा देंगे, ये देखिए 12 घंटे पे ओके, इसको कर देंगे हम ओके। तो जैसा कि मैंने क्लॉक का दिखाया, फिर उसके बाद दोबारा से देखिएगा आप रेंज पर आ जाइएगा, यहाँ रेंज पर आने के बाद एक क्लॉक का हो गया, क्लॉक से अगला गया भाई हमारा डोर्स का, तो चलो डोर्स के अंदर देखते हैं। तो ये आ गया हमारा D1। तो भाई सबसे पहले बता देता हूँ कि बिना इन्फॉर्मेशन के आप इनको ना छेड़े, ये मेरी आप सेटिंग देख लीजिएगा, ये D1 पर है, D1 के अंदर जाकर SL1 पर रखना है आपको। अगर आपका SL2 पर है तो आपकी गाड़ी जो अनलॉक है वो दो बारी अनलॉक करने से उसके दरवाजे खुलेंगे, अगर आपको एक बारी में करना, दो बारी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, बैटरी वेस्ट, तो इसे SL1 पर रखें। और इसके साथ में जाता बैक, ये हमारा डिक्की का भी हो गया, SL1 पर इसको रखें, इसे कर दे फिर भाई अपना सक्सेस। तो भाई अपनी सेटिंग एक ये होगी, फिर उसके बाद हम दोबारा इसे प्रेस करे रखेंगे, ये सक्सेस होने के बाद इसे लंबा, एक मिनट भाई, ये SL1 पर ही है,
ये देखिएगा मैंने इसे दोबारा से लंबा प्रेस किया है, उसके बाद ये बार बार हमारी डोर वाली खुल रही, चाबी बंद करी, दोबारा चालू करी, रेंज पर जाकर लॉन्ग प्रेस, क्लॉक हो गया, डोर हो गया। उसके बाद आ जाती है हमारी लाइट, तो चलिए लाइट की देखते हैं। लाइट में आकर L2 और बैक, तो भाई ये बैक वाली पता कौन सी है, जो अपनी पुराने वाली स्विफ्ट आती थी उसके पीछे जो बम्पर में नंबर प्लेट के नीचे लाइट होती थी ना, फॉग लाइट, उसका भी ऑप्शन था ये कि हमारी हेडलाइट के साथ ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। तो आप लाइट वाले फीचर को ना छेड़ें, ये हमारा, हमें कोई इसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, कंपनी ने बहुत अच्छे से सेटिंग करके दी है जो हमारी लाइट की अरेंजमेंट है। बस मैंने और वीडियो है उसमें, मेरी दूसरी वीडियो में जाकर आप ये देखिए, मैंने इसका पूरा यूज बताया हुआ कि किस सिचुएशन में कैसे रोड पर हमें कितने परसेंट रखना है। तो क्लॉक से भी आगे डोर, लाइट, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में आते हैं SL2, SL3, SL4, SL और बैक। तो ये पता आपका क्या है, इसे आप SL2 पर रखिएगा। ये वो है जो हमारे चारों डोर हो गए और जो हमारी डिक्की होगी, जो हमारा बोनट हो गया, इनमें से कोई भी चीज खुली है तो गाड़ी अपनी लॉक नहीं होगी, तो इसे आप S2 पर रखें। अगर इन चीजों में से कोई भी हमारी चीज खुले तो गाड़ी लॉक होगी नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर ले गाड़ी साउंड ही नहीं करेगी। तो भाई वीडियो में यही कुछ जानकारी थी, इसकी वीडियो में जानकारी अच्छी लगे चैनल को लाइक कर दो, और वीडियो लाइक कर दो भाई, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। धन्यवाद।